फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लिव ब्यूटीफुल लाइफ। तो दोस्तों, आप लोग सोच रहे हो कि मैं कहाँ पे हूँ, तो आज का ब्लॉग शुरू करने के लिए चलिए चलते हैं कल। तो दोस्तों, आज हमारा ब्लॉग कुछ स्पेशल होने वाला है, क्योंकि हम लोग का जो लाइफ टाइम मोमेंट जो होता है वो जल्द ही आने वाला है, क्योंकि आज शाम को ही अंकिता का वाटर ब्रेक हो गया। तो हम लोग अभी हॉस्पिटल जाएंगे। हम लोग अभी हॉस्पिटल पे फ़ोन किए थे तो वहाँ पे बोले कि आ जाओ आप लोग, और हम लोग ट्रायल्स रूम में हम लोग ट्रायल्स करेंगे और देखेंगे कि मतलब एक्चुअली वाटर ब्रेक हुआ है कि नहीं। तो हम लोग अभी जाएंगे अभी हॉस्पिटल। वीडियो में बने रहेगा दोस्तों, हम लोग आगे आपको दिखाते हैं हम लोग का जो हॉस्पिटल का जो एक्सपीरियंस है कम्प्लीटली, शुरू से लेके एंड तक जो भी होता है आपको दिखाते हैं हम लोग। और यहाँ पे US में कैसे मतलब डिलीवरी होता है और नॉर्मल होता है कि सी सेक्शन होता है, हम लोगों का तो पता नहीं, बट मोस्टली नॉर्मल हो सकता है। तो आइए चल के देखते हैं आगे। हेलो फ्रेंड्स, अभी अंकिता का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया था तो वाटर ब्रेक भी हो गया था। तो हम लोग अभी यहाँ पे आए हैं हॉस्पिटल पे, तो अभी शाम के 8 बजे हैं। तो अभी हॉस्पिटल पे आ गए और यहाँ पे आगे ट्रियाज रूम है, तो ट्रियाज रूम में हम लोग सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह करवा लिए हैं। अभी वो लोग अंकिता को लेकर अंदर गए हैं और मैं यहाँ पर बैठा हूँ। ये रहा इनका ट्रियाज रूम, और यहाँ पे पहले डॉक्यूमेंट्स देना रहता है, जैसे कि आपका ID प्रूफ और जो इंश्योरेंस कार्ड होता है वो देना रहता है, और उसके बाद कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स वो लोग साइन करवाने बोलते हैं और ये सब डॉक्यूमेंट्स देते हैं। तो अभी वो लोग अंकिता को लेके गए हैं अंदर। तो फ्रेंड्स, हम लोग अभी ट्रियाज रूम में आ गए हैं। तो अभी अंकिता को यहाँ पर लिटा दिए हैं वो लोग, अभी यहाँ पर वो लोग मेजर किए तो वाटर ब्रेक हो गया है, और यहाँ पर सारा डिवाइस वहाँ पर लगाए हुए हैं। यहाँ पे अभी थोड़ा रुकते हैं और देखते हैं क्या होता है, तो डॉक्टर अभी आके बताएंगे क्या होगा। यहाँ पे मॉनिटर है और यहाँ पे वो डिवाइस लगा हुआ है, यहाँ पे हार्ट बीट और वो सब मेजर हो रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी डॉक्टर ने कंफर्म कर दिया है कि अभी वाटर ब्रेक हो गया है और हम लोग को चेक इन करना है यहाँ पे हॉस्पिटल में। तो अभी घुसते हैं अंदर, और मैं अपना सारा सामान ले लिया हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो सारा सामान ले लिया हूँ। तो चलिए फिर चलते हैं हॉस्पिटल के अंदर, आपको दिखाते हैं क्या क्या होगा फिर। तो ये रहा हम लोग का हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल के अंदर अभी जाएंगे और चेक इन करेंगे अभी काउंटर में। यहाँ पे एक डिवाइस वो लोग लगाए हैं, और वो डिवाइस से उसका यूटेरस और बेबी का जो हार्ट बीट होता है वो मॉनिटर हो रहा है। फ्रेंड्स, अभी हम लोग डिलीवरी रूम पे आ गए हैं, और ये वाला जो रूम है ये डिलीवरी रूम है, और आप यहाँ पे देख सकते हो, और अंकिता पीछे लेटी हुई है, और अभी तो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया है तो वो लोग अभी एपिड्यूरल देंगे इसको, और उससे पहले मतलब कॉन्ट्रैक्शन और ये लेवर इंड्यूस करने के लिए एक मेडिसिन देंगे। तब तक मैं आपको ये डिलीवरी रूम जो है उसका एक टूर दे देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिलीवरी रूम में ये वाला जो है ये बेसिन है, और वहाँ पे बहुत सारे मतलब डिवाइसेस लगे हुए हैं। ये है अभी जो किड्स आएगा, बच्चा आएगा बच्चे के लिए, यहाँ पे बच्चे को रखने के लिए यहाँ पे ये वाला है, और यहाँ पे बहुत सारे मॉनिटर्स लगाए हुए हैं, और यहाँ पे उसका हार्ट रेट और कॉन्ट्रैक्शन वो सब मॉनिटर हो रहा है। यहाँ पे भी बहुत सारे डिवाइस लगे हुए हैं यहाँ पे देखिए, और उस तरफ है रेस्ट रूम,
और ये वाला जो है टीवी है वहाँ पे हम लोग का नाम वगैरह लिखे हुए हैं, और ये वाला जो है यहाँ पे एक बेड है और वहाँ पे एक सोफ़ा दिया गया है। और ये रहा हम लोग का सामान। और अंकिता कैसा लग रहा है? और उस तरफ गेट है यहाँ पे रूम में आने के लिए। दोस्तों अभी एपिड्रियल देने के बाद यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है देखिए, और कॉन्ट्रैक्शन तो अंकिता को पता नहीं चल रहा है, बट यहाँ पे ग्राफ में देख के हम लोग को पता चल रहा है यहाँ पे एक एक स्पाइक हो रहा है, तो वो वाला कॉन्ट्रैक्शन है। तो दोस्तों अभी ऑक्सीटोसिन चालू हो गया है, अभी 4 यूनिट्स चल रहा है। और अंकिता अभी रेस्ट कर रही है, और अभी वो जो नर्स थे वो देख के गए, अभी आधा घंटा बाद फिर आएंगे, तो अभी ऑब्जर्वेशन में रखे हैं अभी, तो देखते हैं कितना टाइम अभी लगता है। तो अभी रात के बज गए हैं 12, और थोड़ा सा रेस्ट लेंगे अभी, और मैं भी काफ़ी थक गया हूँ और अंकिता भी काफ़ी थक गई है, अभी रेस्ट ले रही है वो। यहाँ पे तो सब कुछ चालू है और नर्स लोग बाहर से भी मॉनिटर कर रहे हैं अभी, हार्ट रेट और कॉन्ट्रैक्शन जो हो रहा है वो मॉनिटर कर रहे हैं। 2 hours later आप यहाँ पे देख सकते हो कॉन्ट्रैक्शन जो हो रहा है, नीचे वाला जो है वो कॉन्ट्रैक्शन लाइन है और ऊपर का जो है वो बेबी का हार्ट रेट है। तो अभी हार्ट रेट 142 चल रहा है। Seven hours later अभी सुबह के 7 बज गए हैं दोस्तों, और लगभग करीबन 12 घंटा हो गया है हमारा, और अभी तक फुल डायलिसिस नहीं हुआ है। तो अभी डॉक्टर आए थे और अभी फिर चेक करके गए हैं। दोस्तों अभी सुबह का ब्रेकफास्ट आ गया, तो अंकिता को मिला है ऑरेंज पॉप्सिकल, और हमको मिला है ये योगर्ट और एक फ्रूट कप और ऑरेंज जूस, एक मफिन ब्लूबेरी मफिन, और ये है ऑमलेट विथ पोटैटोस। तो काफ़ी अच्छा खासा मील मिला है। और ये वाला है हम लोग का मील का मेन्यू। तो यहाँ पे जो भी चाहे आप ऑर्डर कर सकते हो, सारे वैरायटी का मील यहाँ पे मिल जाएगा, जैसे ब्रेकफास्ट एंट्रीज, उसके बाद सैप सिलेक्शंस, फिर सलाद एंट्रीज, और ये सब लंच एंड डिनर स्पेशल। तो अभी फ़िलहाल ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद फिर आपके साथ मिलते हैं। और अभी तो फुल डायलेशन हो गया है, बट अभी वो लोग बोल रहे हैं कि नेचुरली वो जब तक बेबी का प्रेशर ना आए तब तक नहीं निकालने के लिए,
तो देखते हैं फिर क्या होता है। दोस्तों आज का वीडियो को यहीं तक ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं डिलीवरी वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव।